हाई एवरीबडी एम मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड नो डिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन एराइल हेलाइट दिस इज एन एराइल हेलाइट एरायल हेलाइट क्या होता है एरोमेटिक रिंग पे जहाँ हालोजन आ गया इट्स एन एराइल हेलाइट एंड दिस कंपाउंड यू नो इज क्लोरोबिन जी है ना अब क्लोरो बेंजीन अब हमारा प्रॉब्लम ये है वी वॉन्ट टू नो इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मेंट बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ठीक है सबसे पहले तो वो फाइन करना है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बेंजीन का कोई भी रिंग पे हर वर्टेक्स पे देर इज अ कार्बन एंड अटैच टू दैट कार्बन इज़ अ हाइड्रोजन ये आपको याद रखना है ओके okay. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन जब हम बोलते हैं व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इस ये जो हाइड्रोजन है हर कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोजन निकलता है एस एच प्लस प्लस चार्ज देखा तो इलेक्ट्रोफिल है सो एच प्लस बन के निकलते यानी एक इलेक्ट्रोफिल निकल रहा है और उसके जगह में कोई और इलेक्ट्रोफिल चाहे तो आप एनओ तो टू बोल दो एस एनओ टू प्लस तो ये भी इलेक्ट्रोफिल हुआ तो एक इलेक्ट्रोफिल एच प्लस जो यहाँ से निकलेगा इज सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस बाय अनदर इलेक्ट्रोफिल सो यू कॉल इट एज इलेक्ट्रोफिले सब्सटीट्यूशन ठीक है अब एक बात हमको याद रखना है कि बेंजीन और क्लोरोबेंजीन या बेंजीन एरोमेटिक रिंग एंड एराइल हैलाइट्स में विच विल गिव फास्टर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन देन इट इज़ बेंजीन विच विल गिव फास्टर रिएक्शन रीजन इसका ऐसा है कि क्लोरीन जो है इट शोज़ माइनस आई इफेक्ट अभी आपको अब तक मालूम ही होगा होगा आपने इंडक्टिव इफेक्ट का वीडियो तो देखा ही होगा तो माइनस आई का मीनिंग क्या है वो इलेक्ट्रॉन को अपने और खींच रहा है सो इट बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट वो इलेक्ट्रॉन को अपने और खींच रहा है एंड देर फो वी से इट डीएक्टिवेट्स द रिंग क्या करता है डी एक्टिवेट इट डीएक्टिवेट्स द रिंग तो ये रिंग लेस रिएक्टिव हो जाता है सो बिकॉज़ ऑफ़ द प्रेजेंस ऑफ हालोजन द रिंग इज़ डीएक्टिवेटेड वाई बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने और और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर चाहिए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होना ज़रूरी है यहाँ पे वैसा कोई हैलोजन तो नहीं है तो रिंग डीएक्टिवेट नहीं होता है पर याद रखना एरोमेटिक कंपाउंड जो है वैसे भी वो रिएक्शन बहुत धीरे ही देता है सब्सिट्यूशन भी बहुत धीरे ही देता है बट ये दोनों में बेंजीन विल बी फास्ट ओके अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं रिएक्शन का आ, कैसे होगा सपोज आई हैव क्लोरो बेंजीन क्लोरोबेंजीन है मेरे पास और मैं इसमें डाल रही हूँ वॉट इज नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या डाल रही हूँ नाइट्रेट यहाँ यहाँ लिखती हूँ नाइट्रेटिंग मिक्सचर अब सवाल ये है कि वॉट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ओके ये क्यों ऐसे डालते हैं जब आप दोनों मिक्स करोगे तो इसका क्या बनता है इसमें से बनता है ये एच एन ओ थ्री में से बनता है एन ओ टू प्लस और ओ एच माइनस है तो एच एन ओ थ्री ही देखो एच एन ओ थ्री सेपरेट एस एन ओ टू प्लस एंड ओ एच माइनस अब ये पार्ट जो है इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है ठीक है ये रिएक्शन कैसे होता है पता है ये जो इलेक्ट्रॉन पैर है ना यहाँ पे यहाँ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है ये आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन पैर है हाँ आपको पता है ना पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन पैर होता है और वो इलेक्ट्रॉन पैर वो नाइट्रोजन को देता है बिकॉज नाइट्रोजन एज गॉट अ पॉजिटिव चार्ज तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर किस को जाता है एन प्लस को जाता है और उसके वजह से दिस इज हाउ इट विल लुक नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एन को गया सो यहाँ एच है यहाँ एनओ टू है, अगरे तो अगरे तो है। और इसके वजह से ये डबल बॉन्ड अभी निकल गया क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एनओ टू को गया और उसके वजह से ये कार्बन को एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा अंडरस्टूड? दिस कार्बन बिल गेट अ पॉजिटिव चार्ज बाकी डबल बॉन्ड्स अपने अपने जगह पे एंड सी एल ओके अब क्या होता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता एंड दे दिस हाइड्रोजन ये बॉन्ड में भी आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन है दिस हाइड्रोजन विल लीव इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड गो एस एच प्लस तो वो कैसे निकलेगा माइनस एच प्लस तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे फिर से शिफ्ट हो जाएगा इसके वजह से यू आर गोइंग टू गेट यहाँ पे एन ओ टू ओके ये डा ये जो इलेक्ट्रॉन पैर है वापस आ गया तो यहाँ अभी आपको अपना बॉन्ड मिल गया बाकी सब अपने जगह पे एज इट इज सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट ऑर्थो ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोजिन इसको ऑर्थो ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेजिन क्यों बोलते हैं क्योंकि क्लोरीन के बगल वाला कार्बन यहाँ या यहाँ जब सब्सिट्यूशन होगा वी कॉल इट एज ऑर्थो लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होता है मेजर प्रोडक्ट कहां पे सब्सट्यूशन होता है एट द पैरापोजिशन यहां पे, ओके okay. अब क्यों यहां ज्यादा सब्सटूशन होता है और यहां पे कम ये मेजर प्रोडक्ट है इसका रीजन ये है कि जब बगल में होता है रिपल्शन ज्यादा है एंड रिपल्शन के लिए हम यहां टर्म यूज करते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस तकलीफ बड़ा ग्रुप होने के वजह से वो आने नहीं देता है वी कॉल इट एज स्टीयरिक नॉट एबल टू राइट हिर आई राइट इट स्टीयरिक हिंड्रेंस ओके okay. बगल में क्या होता है स्टीयरिक हेंड्रेंस आने में तकलीफ़ होती है सो so, सब्सटेशन सबसे ज़्यादा ये पोजीशन में प्रेफरेबली ऑलवेज सबस्टेशन विल टेक प्लेस इधर एट और पोजीशन और पैरा पोजीशन पैरा विल बी मेजर एंड ऑर्थो विल बी माइनर प्रोडक्ट ठीक है मेटा पे तो नहीं होता है